हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ ख़ास शेयर करने वाली हूँ, वो है तेल। ये काफ़ी सारे तेल हैं जिसको मैं एक बॉटल में मिलाकर एक मेन तेल बनाने जा रही हूँ, जिसका यूज़ क्या है, इसको मैं यूज़ करूँगी दर्द के तेल बनाने में। तो दर्द को दूर करने का अचूक तेल है ये, अचूक इलाज है ये। आपके जॉइंट्स में या घुटनों में जहाँ भी दर्द है, चोट का दर्द है या पुराना दर्द है, तो आप उसको इससे दूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तेल बना रही हूँ ये मैं। फ्रेंड्स, जो थोड़ी सी उम्र हो जाती है उसके बाद में लोगों के जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाता है, तो उसके लिए तो आप इसको बिल्कुल ही अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तेल को आप सर्दी में बच्चों के छाती पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने तारपीन का ऑयल डाला है। और मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, मैं इसमें कौन कौन से ऑयल डाल रही हूँ। तो इसमें मैं लेती हूँ तिल का तेल। तिल का तेल काफ़ी छोटे छोटे से बीज होते हैं, ये सफ़ेद और काले कलर के होते हैं, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है, और कीटाणुओं को जो नष्ट कर देते हैं, और इससे काफ़ी सारी बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। और गठिया के रोग में और हड्डियों के दर्द में इस तेल को यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी अच्छा तेल है, आप इसको ले लीजिए। दूसरा तेल लिया है मैंने, अरंडी का तेल, इसको कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। ये थोड़ा सा मोटा सा कत्थई और ब्राउन और ब्लैक कलर का बीज होता है, उसमें से इसको निकाला जाता है, कैस्टर सीड्स में से। और ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, और इससे जो सूजन होती है कहीं पर हड्डी जोड़, उसमें जो सूजन होती है स्किन पे, तो उसको ये दूर करता है और दर्द भी दूर करता है। एक ये लिया है। तीसरा ऑयल लिया है मैंने, जैतून का तेल। तो जैतून का तेल, इसको ऑलिव ऑयल भी कहते हैं, ये काफ़ी फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसमें ऑल सेल्स डैमेज होने से बचाता है, और जो झुर्रियाँ स्किन पे होती हैं उसको दूर करता है, खुश्की दूर करता है, चमक लाता है, और जो पोर्स होते हैं स्किन में उनको खोलता है, जिससे कि ऑयल आसानी से अंदर चला जाए, तो इसलिए इसको मैंने लिया है। तीसरा तेल है मेरा तारपीन का तेल। इसे पाइन ट्री या देवदार के पेड़ या चीड़ के पेड़ से लिया जाता है, और ये वाष्पशील होता है, ये उड़ जाता है, तो इसलिए इसको इसमें मैंने डाला है, और जोड़ों के दर्द में और नसों के जो दर्द होते हैं उसमें इसको काफ़ी आराम देता है ये, तो ये इसलिए लिया है। और मैंने पांचवा तेल लिया है मैंने, सरसों का तेल। तो आपको पता है सरसों का तेल छोटे छोटे बीज होते हैं, और ये ब्राउन ब्लैक डार्क ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं, इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्त संचार अच्छा होता है, और शरीर को इससे गर्माहट भी मिलती है, तो इसलिए मैंने इस ऑयल को लिया है। और मैंने लिया है कपूर। तो ये ऊर्जा का संचार करता है, संक्रमण को रोकता है, और ताजगी देता है, तो इसलिए मैंने ये कपूर लिया है। और मैंने लिया है रतन ज्योत। तो ये पेड़ की छाल होती है, इसको मैंने अपने एक वीडियो में दिया है। आप मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और ये जो मेरा वीडियो है रतन ज्योत का, तो आप वो देख लीजिए। तो ये रतन ज्योत है, इसमें ये बहुत ही अच्छा है, ये त्वचा का रूखापन कम करता है, और गठिया रोग में भी इसको यूज़ किया जाता है, इसको ऑयल में डालकर मालिश की जाती है, तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और दर्द को दूर करता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी इससे हम तेल कैसे बनाएं। तो ये देखिए, मैंने एक तेल बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा तेल है, अगर आप इसको जहाँ भी लगाएंगे आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, तो आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिए और इसको ज़रूर बनाइए। और ये काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा और तेलों के मुकाबले, आप मार्केट से लेते हैं काफ़ी महंगे महंगे आपको तेल मिलते हैं, लेकिन आप ये लीजिए। और मैंने अभी अपने एक लास्ट वीडियो बनाया है, उसमें अमृत धारा बनाया था, उसमें मैंने अजवाइन का सत और पेपरमेंट मिलाकर बनाया था, ये मैंने बताया था आपको। ये पेट में दर्द, सर में दर्द, सर्दी खांसी ज़ुकाम, गैस, खट्टी डकार, सब में यूज़ होता है, तो ये भी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे गुण हैं, तो ये भी इसमें यूज़ होगा। तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं एक खाली कंटेनर ले लेती हूँ, एक बॉटल ले लेती हूँ मैं खाली। इसमें मुझे सारी चीज़ें जितने भी मैंने ऑयल लिए हैं वो मुझे बराबर मात्रा में लेने हैं। जैसे मैंने ये जैतून का तेल लिया है, तो ये मैं
2 ml लेती हूँ। तो ऐसे ही मुझे सारे ऑयल 2 ml लेने हैं। और मुझे क्या चीज़ ज़्यादा कम लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब ये मैंने तिल का ऑयल लिया है तो ये भी मैं 2 ml ले लेती हूँ। अगला ऑयल है मेरा अरंडी का, ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है तो ये भी ले लिया है मैंने। ये गाढ़ा भी होता है और चिपचिपा भी होता है। अगला ऑयल है मेरा तारपीन का तेल, ये थोड़ा सा खुशबूदार होता है और जल्दी उड़ने भी वाला होता है, वाष्पशील होता है, तो इसको भी मैंने उतना ही लेना है। और ये ऑयल जो होता है वो रोगन पेंट में भी काम में आता है। अब मैंने लिया है सरसों का ऑयल, तो इसको मुझे डबल लेना है। जैसे मैंने इस इन चीज़ों को लिया है सिंगल 2 ml, तो इसको मुझे 4 ml लेना है। बस इसको मुझे 4 ml लेना है और इन सबको मिला देना है। अब फ्रेंड्स, अब मुझे इसमें क्या डालना है, तो फ्रेंड ये मेरा ऑयल आ गया है। अब मैं इसमें रतन जोत डालूंगी, तो ये थोड़ा सा मुझे इसमें रतन जोत डालना है। इससे काफ़ी अच्छा कलर भी आता है। जैसे आप मार्केट से लेते हैं कोई दर्द का तेल तो वो रेड कलर का होता है, आप कहते हैं ये रेड कलर इसमें कैसे आया, तो वो ऐसे आया। इसके फ़ायदे भी हैं जो मैंने अभी बताए हैं। और इसमें आप डाल दीजिए 1 कपूर का बॉल, और जो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था अमृत धारा वो भी मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि इसमें अजवाइन है वो भी काफ़ी दर्द में राहत देता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स अजवाइन के डाल देती हूँ। लगभग सारी चीज़ें मैंने मिला ली हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। आपको इसको मिक्स कर रख देना है। देखिए इसका कलर आने लगा है, रतन जोत ने अपना कलर छोड़ दिया है, क्योंकि रतन जोत जो है वो ऑयल में ही घुलती है, पानी में नहीं कलर देती है। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। अब इसको आपको धूप में रख देना है। धूप में रखने के बाद 2-4 दिन आप धूप में रख दीजिए इसको, तो ये आपस में सारे जो ऑयल हैं वो मिल जाएंगे और ये अपना एक अलग असर देगा। तो उसको आप फिर लगाइए, तो जहाँ भी आपके दर्द हो आप इसको बेखटक लगा सकते हैं। ये 100% फ़ायदा देगा। और मैं इसको बना के, मेरा ये खुद का तजुर्बा है इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और ये जो मैंने आप जितनी भी वीडियो मेरी इस टाइप की हैं तो वे मेरे खुद के शेयर खुद के तजुर्बे के ऊपर ही बनाई हैं, जिससे कि आप मुझे अगर फ़ायदा है तो आपको भी फ़ायदा होगा। मुझे नहीं मतलब इससे काफ़ी लोगों ने फ़ायदा लिया है, तो आप भी इससे फ़ायदा उठाइए, इसलिए फ्रेंड्स मैंने इसे बनाया है। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।